गुड इवनिंग नमस्कार जय श्री कृष्णा राधे राधे बैंकिंग फाउंडेशन बैच की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप कहोगे अरे सर आज शाम को छः बजे तो बिल्कुल क्योंकि बारह बजे ग्राम सेवक बैच में हिंदी की क्लास हो रही है आपकी शिवानी मैम ले रही हैं तो उसमें मैं किसी भी तरीके से आपका नुकसान नहीं होने देना चाहता हूं ताकि हिंदी की क्लास आप लोग प्रॉपर तरीके से लाइव ले और फाउंडेशन बैच भी लाइव ही लेना ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप लोग अपने डाउट्स पूछते हैं आप अपने डाउट्स पूछते हैं और मैं भी आप लोगों को ओपन चैलेंज देता हूं कि भाई आप पूछो कुछ भी डाउट्स हो आपके बैंकिंग के तो पूछो तो ये डाउट पे चर्चा होती है चाय पे चर्चा होती है तो ये क्लास अब चाय के टाइम पे ही रख दी गई है शाम को छः बजे तो ये क्लास अब रोज़ शाम को छः बजे होगी आप लोग लाइव आइए एक से एक नए टर्म्स सीखने के लिए नए टर्म्स पढ़ने के लिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ठीक है राधा कुमारी कह रही सर इंश्योरेंस वाली क्लास क्यों बंद कर दे रही इंश्योरेंस का कोई एग्जाम ही नहीं है तो इंश्योरेंस इसी में मैं इंश्योरेंस के भी टर्म्स पढ़ा रहा हूं और बैंकिंग के भी टर्म्स पढ़ा रहा हूं कोई एग्जाम होगा तब तो इंश्योरेंस पढ़ाएंगे <clears throat> लेकिन ये जो टॉप टेन फाइनेंशियल टर्म्स की जो मैंने सीरीज चलाई है जिसकी आज ग्यारहवीं क्लास है आप नौवीं दसवीं क्लास जाके देखिए उसमें इंश्योरेंस के टर्म्स मैंने पढ़ाए हैं एक से एक तो ये ऑल एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम हो सकते हैं बैंक और इंश्योरेंस के सबके लिए ठीक है बात समझ में आ रही है ओके चलिए तो दोस्तों रोज सुबह ये अपनी क्लास होती है डेली करंट अफेयर की और इसने साबित कर दिया अभी तेरह तारीख को न्यू इंडिया इंश्योरेंस का पेपर हुआ दो दिन पहले सारे क्वेश्चन अपने दोस्तों आए और एक महीने के अंतर में जितने भी क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा बने यानी कि लास्ट मंथ यानी फरवरी और मार्च और अप्रैल इन तीन महीने से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने ज्यादातर तो साबित हुई है क्योंकि मैं कल मैंने उसकी एनालिसिस कराई थी एक बार जाके देखना कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं ठीक है बात समझ में आ रही है बिल्कुल विनीत सिंह जी अप्रैल से आप कंटिन्यू कर लीजिए दोस्तों यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ग्राम सेवक बैच में आठ बजे मैथ नौ बजे जनरल अवेयरनेस मेरी क्लास हो रही है फिर दस बजे रीजनिंग बारह बजे हिंदी एक बजे कंप्यूटर और तीन बजे इंग्लिश की क्लास हो रही है ग्राम सेवक बैच में केवल ऐप पे क्लास हो रही है तीन दिन आपको डेमो यहां पे मिला था आपको आरडब्ल्यू एप पर जाना है पेड क्लासेस में जाना है छह सब्जेक्ट आपको मात्र नौ रुपए में मिल रहा है आर आर प्री प्लस मेन्स प्लस क्लर्क कॉम्बो उस समय का एक बैच भी आपको फ्री मिल जाएगा उस समय जो बैच आएगा एग्जाम समय वो भी आपको उसके लिए भी आपको अलग से पैसे नहीं देने होंगे वीकली करंट अफेयर की क्लास संडे को होती है दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से दोपहर को शॉर्ट न्यूज शो से भी दोस्तों क्वेश्चन आया शॉर्ट न्यूज शो में आप लोगों को कराता हूं और परसों के पेपर में जो तेरह तारीख को पेपर हुआ था उसमें बीमा सुगम बीमा वाहक बीमा विस्तार के बारे में पूछ लिया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछ लिया था तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा एनालिसिस मिलेगा वो एनालिसिस देखिएगा आपको नॉलेज भी मिलेगी और एनालिसिस भी मिलेगा कल मैंने कराया था एग्जाम एनालिसिस जो तेरह तारीख को पेपर पूछा गया उसकी एनालिसिस दोस्तों आज मैं आप लोगों को टर्म्स में क्या पढ़ाने वाला हूं आज मैं टॉप टेन टर्म्स में आप लोगों को क्या जो है पढ़ाने वाला हूं तो दोस्तों आज मैं आप लोग को मेगा मर्जर पढ़ाने वाला हूं क्योंकि मैं इसमें उन हर टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूं जो दोस्तों मिसलेनियस में आता है और जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और अब इसके बाद की जो भी टॉप टेन फिनेंशियल टर्म्स होंगे आज के बाद के वो प्रीवियस ईयर पेपर से लूंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लूंगा ठीक है ओके ठीक है तो दोस्तों मेगा मर्जर क्या चीज होता है यह शब्द बहुत आता है और इससे क्वेश्चन बहुत आता है मेगा मर्जर क्या है दोस्तों 2017 में करीब करीब 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे ठीक है सत्ताईस सरकारी बैंक होते थे और आज 2024 में कितने बैंक हैं दोस्तों आज है आपके बारह सरकारी बैंक हैं, ठीक है इन सत्ताईस सरकारी बैंकों में दोस्तों कौन कौन से बैंक थे नेशनल नेशनलाइज्ड बैंक थे दोस्तों जो कि उन्नीस थे आईडीबीआई था दोस्तों जो कि एक था एक जो है एसबीआई था दोस्तों है ना 19 20 21 21 हो गए ओके नेशनलाइज बैंक 19 एक आईडीबीआई बैंक एक एसबीआई 19 20 21 21 के बाद जो है एसबीआई एसोसिएट्स थे दोस्तों एसबीआई एसोसिएट्स थे एक और कोई बैंक छूट रहा है क्या हाँ छूट रहा है याद आ गया तो ये पांच एस के एसोसिएट बैंक थे और एक दोस्तों भारतीय महिला बैंक हुआ करता था ये एक था तो ये टोटल सत्ताईस बैंक थे उन्नीस नेशनलाइज बैंक एक आई एक एस एक एस के एसोसिएट्स पांच थे और एक जो है भारतीय महिला बैंक था जो निर्भया केस के बाद शुरू हुआ था ठीक है तो ये सत्ताईस सरकारी बैंक होते थे ओके okay? 2017 के मर्जर की बात यहीं पे कर लेते हैं 2017 में जो सबसे पहला मर्जर हुआ था वो एस में हुआ था एसबीआई में दोस्तों पांच एसबीआई के एसोसिएट्स और एक दोस्तों भारतीय महिला बैंक यानी कि टोटल छह बैंक मर्ज हुए थे टोटल छह बैंक मर्ज हुए थे अक्सर लोग पांच बैंक टिक करके आते हैं आप लोग जान लो छह बैंक मर्ज हुए थे विनीत सिंह कह रहे हैं सर एसबीआई को नेशनलाइज्ड क्यों नहीं मानते हैं वो भी तो 1955 में नेशनलाइज्ड हुआ था देखिए एक होता है जन्म से मुस्लिम एक होता है कन्वर्टेड मुस्लिम जन्म से मुस्लिम की भी सुन्नत होती है और जो बाद में होता है उसकी भी सुन्नत होती है लेकिन जो कन्वर्टेड होता है उसको जिंदगी भर बोलते हैं कन्वर्टेड हो तुम तुम बेटा कन्वर्टेड हो जैसे भारत से जो मुस्लिम पाकिस्तान के उनको मुजाहिर बोलते तो उसी तरीके से एसबीआई को नेशनलाइज्ड बैंक नहीं कहा जाता था आईडीबीआई को भी नहीं कहा जाता था एसबीआई के एसोसिएट्स को भी नहीं कहा जाता था और भारतीय महिला बैंक को भी नेशनलाइज बैंक क्यों नहीं कहा जाता था तो इसके पीछे नेशनलाइज बैंक नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए तो चलिए एक टर्म और पढ़िए नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किसे कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीकरण किसे कहते हैं नेशनलाइजेशन जब किसी को सरकारी बनाया जाता है सरकार अपने अधीन लेती है प्योर नेशनलाइजेशन कहते हैं जब किसी प्राइवेट कंपनी को दोस्तों सरकारी बनाया जाता है पीएसयू बनाया जाता है यानी ये जो नेशनलाइज्ड बैंक थे दोस्तों ये जो पीएनबी हो गया ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया ये जो जितने भी बैंक हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ये सब प्राइवेट बैंक थे ये सब कौन से बैंक थे दोस्तों प्राइवेट बैंक थे अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से सुनना तुमने क्वेश्चन तो पूछ दिया है ईडीबीआई क्या कभी प्राइवेट था नहीं जिस दिन से जन्म लिया आई बैंक ने तब से सरकारी था एस क्या प्राइवेट बैंक था कभी नहीं जब से ये पैदा हुआ है, तब से सरकारी है SBI के एसोसिएट्स क्या प्राइवेट थे नहीं ये सरकारी थे भारतीय महिला बैंक निर्भया केस के बाद 2012 के बाद शुरू हुआ क्या कभी प्राइवेट था नहीं था ये जन्म से सरकारी है ये कन्वर्टेड नहीं है कन्वर्टेड को अलग कैटेगरी में रखा गया और उनको नेशनलाइज्ड बैंक कहके पुकारा गया और ये नेशनलाइज्ड बैंक जो है दो पार्ट में इनका भी नेशनलाइजेशन हुआ है ये जो नेशनलाइजेशन हुआ इनका दो पार्ट में हुआ 1969 में चौदह बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और 1980 में दोनों इंदिरा गांधी जी के समय में छह बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ टोटल बीस नेशनलाइज बैंक बने जो प्राइवेट से सरकारी बने अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डाउट क्लियर हुआ डाउट क्लियर हुआ केवल एसबीआई क्यों पूछा तुमने तुम्हें आई डी भी तो पूछना चाहिए था कि सर आईडीबीआई को क्यों नहीं नेशनलाइज बैंक बोला गया सर भारतीय महिला बैंक को नेशनलाइज क्यों नहीं बोला गया सर एसबीआई एसोसिएट्स को नेशनलाइज क्यों नहीं बोला गया एसबीआई एसोसिएट्स कौन से बैंक थे राजाओं के बैंक थे रियासतों के बैंक थे पहले आठ बैंक होते थे पटियाला रियासत का बैंक त्रावनकोर रियासत का बैंक मैसूर रियासत का बैंक हैदराबाद रियासत का बैंक त्रावनकोर रियासत का बैंक बीकानेर रियासत का बैंक जयपुर रियासत का बैंक बाद में जब इनको नेशनलाइज किया गया 1959 में तो फिर ये एसबीआई के सहयोगी बैंक कहलाए एसबीआई के एसोसिएट्स कहलाए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट स्टेट बैंक बैंक ऑफ मैसूर, तुम्हारे इन्हीं डाउटों को मैं क्लियर करने के लिए तो यहां बैठा हूं मैं ये क्लास इसलिए चला रहा हूं कि बैंकिंग फाउंडेशन तुम लोग पढ़ लो बैंकिंग फाउंडेशन पढ़ लिया अब जो डाउट है उसको क्लियर करो जो जितना पढ़ लिया उसमें कन्फ्यूजनस भी होंगे तो उस कंफ्यूजन को दूर करते चलो ठीक है लेकिन पढ़ लो ठीक है ओके चलो तो दोस्तों ये सारे बैंक खत्म हो गए और आज केवल बारह सरकारी बैंक हैं उन मेगा मर्जर में पहले हम 2017 का मर्जर पढ़ रहे थे आपने डिस्टर्ब कर दिया सॉरी बोलिए 2017 में दोस्तों जो है एस में मर्जर हुआ एस में पांच एस के एसोसिएट्स और एक भारतीय महिला बैंक मर्ज हो गई वो पांच एस के एसोसिएट्स कौन थे ये भी लिख देता हूं नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन जयपुर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर वैसे ये टोटल आठ बैंक थे उनको भी पता ही दूं क्या लोट कर लो यहां तो जगह नहीं है बीकानेर और जयपुर दो अलग अलग बैंक थे इन दोनों को मर्ज किया गया 1963 में तो आठ से सात हो गए उसके बाद दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था वो भी एसबीआई में मर्ज हुआ 2008 में फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था वो 2010 में मर्ज हुआ तो तीन खत्म हो गए अब पांच बच गए वो पांचों यहां पे मर्ज हुए वो पांचों 2017 में मर्ज हुए चलो जब मर्जर की बात हो रही है तो एक और मर्जर पढ़ा देता हूं एक और मर्जर पढ़ा देता हूं जैसे कि तुम कहोगे सर बीस नेशनलाइज बैंक थे यहां तो आप उन्नीस नेशनलाइज बैंक ही बता रहे हैं तो वो वाला कहां गया जो एक और था तो जो अगर कभी पूछ ले कि भारत का पहला नेशनलाइज बैंक कब मर्ज हुआ था तो वो 1993 में मर्ज हुआ था वो 1993 में मर्ज हुआ था न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो पीएनबी में मर्ज हुआ था ये ईयर कौन सा था 1993 लिखते चलना तुम लोग तो 20 से कितने हो गए उन्नीस लैसलाइज बैंक हो गए तो उन्नीस लेसलाइज बैंक 2017 तक थे 2017 में 27 में से 6 बैंक खत्म हो गए कितने बचे 21 बैंक बचे 21 बैंक बचे 2020 में 2019 में दो घटनाएं घटी वो दो घटनाएं कौन सी थी पहली घटना थी आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बना दिया गया इसको एल ने एक्वायर कर लिया यानी आईडीबीआई बैंक पहला सरकारी बैंक है जिसको उल्टा नेशनलाइजेशन का उल्टा प्राइवेटाइजेशन किया गया जिसका प्राइवेटाइजेशन किया गया ठीक है बात समझ में आ रही है कुमुद का एक क्वेश्चन आया है क्योंकि मैं ये क्लास में आप लोग पे गुस्सा नहीं करूंगा अगर आउट ऑफ द टॉपिक भी पूछ रहे हो क्योंकि ये क्लास उसी लिए है डाउट करने डाउट क्लियर करने के लिए कुमुद का क्वेश्चन है कि सर एमएसएफ में सिक्स पॉइंट फाइव सेवन फाइव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रेपो रेट में सिक्स पॉइंट फाइव जीरो परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बैंक एमएसएफ के बदले रेपो रेट पर ही क्यों नहीं पैसा लेता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो ये 2019 खत्म करके बताते हैं फिर 2020 वाला मर्जर बाद में बताएंगे पहले तुम्हारा डाउट क्लियर कर देंगे सब लोग राजी हैं कुमुद का क्वेश्चन डाउट आप लोग का भी डाउट है क्या उस डाउट को क्लियर करा जाए देखो 2019 में एक और मर्जर हुआ था जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों दो बैंक मर्ज हुए थे विजया बैंक और देना बैंक तो अब कितने बैंक बचे 18 2019 के आ मतलब एक अप्रैल कोई मर्जर होता है एक अप्रैल यहां भी है एक अप्रैल यहां भी है आई वाला जनवरी में हो गया था क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था कोई मर्जर तो हो नहीं रहा था जैसे अभी एक अप्रैल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज हुआ है ठीक है ओके क्लियर 2019 तक की कहानी तुमको समझ में आ गई अब मेगा मर्जर हुआ 2020 में जिसमें कि 18 बैंकों को 12 बैंकों में बदल दिया गया उसके बाद कोई मर्जर नहीं हुआ बड़े बैंकों में यानी कि 18 बैंक से 12 बैंकों उस मर्जर मेगा मर्जर के बारे में आगे बताएंगे पहले बच्चे का कंफ्यूजन दूर कर दे कुमुद का क्योंकि आप जो डाउट जो मैं लेके आया हूं हो सकता है वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो जो आप लेके आए हो सकता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्योंकि आपकी स्टडी से कंफ्यूजन निकला है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन कुछ बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है जो कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन अब आइए मैंने को लास्ट की कुछ क्लासेस में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बताई थी अब मैंने बताया था कि जब कस्टमर को जरूरत पड़ता है तो रेपो विंडो खुला रहता है बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं अगर कस्टमर ज्यादा विड्रॉ कर रहा है किसी दिन विड्रॉ वाले ज्यादा आ गए बैंक के पास पैसे की कमी हो गई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मैंने आप लोग को पढ़ाया था एल के दोनों टूल्स हैं रेपो भी एल का टूल है और एमएसएफ भी दोस्तों एल का टूल है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी आपको आज मैं सिखा दूंगा कुछ डिफरेंसेस भी मैं आज आपको पढ़ा दूंगा रेपो और डिफरेंसेस एमएसएफ में क्या डिफरेंसेस है क्योंकि यह भी ओवरनाइट लोन है और यह भी ओवरनाइट लोन है दोनों एक रात का लोन है दोनों टेम्पररी जो बैंक में कमी आई है पैसे में उस कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई से लोन लेने की व्यवस्था है सर यहां तक तो सब कॉमन ही चल रहा है यहां तक तो मेरा डाउट है यहां तक तो आपका डाउट मेंटेन है ठीक है इसके बाद की लाइन में लिख देता हूं दोनों में डिफरेंसेस ये है दोस्तों विथ कोलेट्रल और यह है विदाउट कोलेट्रल विथ कोलेट्रल का मतलब होता है बंधक कुछ आदान प्रदान हो रहा है कोई अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज अगेंस्ट इलिजिबल सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में दोस्तों यहां पे लोन मिल रहा है अगेंस्ट इलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में यहां लोन मिल रहा है इसीलिए ये लोन सस्ता मिल रहा है इसीलिए ये लोन सस्ता मिल रहा है देखिये लाइफ ने काफी हद तक बचाने की जरूरत भी मतलब अच्छे से बता भी दिया है आ, लेकिन यहां भी सर ये तो सर ये जितना भी आपने बताया इससे तो कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है कि रेपो सस्ता क्यों है और एमएसएफ महंगा क्यों है अब जो मैं अगली लाइन लिखूंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा देखिए यहां कोलेट्रल लिया जा रहा है इसलिए सस्ता है एक तो आप ये भी समझ सकते हो कि कोलेट्रल लिया जा रहा है इसलिए सस्ता है पहली तो ये बात कि कोलेट्रल लिया जा रहा है इसलिए सस्ता है लेकिन एक मेन वजह भी है इसके सस्ते होने की कि ये विंडो जो ओपन है एल विंडो जो रेपो विंडो ओपन है वो बैंकिंग टाइम में ओपन है ये बैंकिंग आवर में ओपन है नौ बजे से तीन बजे तक बैंकिंग आवर्स में ओपन है इन बैंकिंग आवर्स जरूरत है यानी किसको जरूरत है बैंक को नहीं जरूरत है किसको जरूरत है कस्टमर को जरूरत है डिस्ट कस्टमर को जरूरत है डिपॉजिटर को जरूरत है जिसके लिए आरबीआई का जन्म हुआ है इसलिए बैंकिंग आवर में जरूरत है बैंकिंग आवर में जरूरत है इसलिए ये सस्ता है क्योंकि कस्टमर को जरूरत है कस्टमर को जरूरत है अब आ जाते हैं एमएसएफ 6.75 पॉइंट परसेंट यह क्यों है महंगा क्यों है जबकि ओवरनाइट लोन है ओवरनाइट लोन एक रात का लोन 24 फोर आवर का लोन जीरो से एक दिन का लोन इसे ओवरनाइट लोन कहते हैं क्योंकि ये दोस्तों पीनल रेट है पीनल रेट मतलब पीनल का फुल फॉर्म पेनाल्टी पेनल रेट के रूप में लिया जा रहा है गुस्से में लिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा इस लोन की जरूरत बैंक को कब है साढ़े पांच से साढ़े सात यानी कि बैंकिंग आवर के बाद इसकी जरूरत कब हुई आफ्टर बैंकिंग आवर्स यानी कि यहां पर कस्टमर को जरूरत नहीं है डिपॉजिटर को जरूरत नहीं है यहां पे बैंक की खुद की कोई गलती हुई है बैंक बैंकिंग आवर के बाद बैंक को क्या जरूरत पड़ सकती है कस्टमर तो घर जा चुका है बैंकिंग आवर के बाद कस्टमर को क्या जरूरत पड़ सकती है उसका डिपॉजिट रेशियो गड़बड़ा गया रेशियो मतलब सीआरआर एस एल आर का रेशियो गड़बड़ा गया सीआरआर उसको मेंटेन करना था साढ़े चार परसेंट देख रहा है कि कम रह गया अठारह परसेंट उसको एस एल आर मेंटेन करना था देख रहा है कम रह गया यहां पे बैंक की गलती है और सीआरआर अगर तुम नहीं मेंटेन करते हो तो तुम्हारे ऊपर कितना चार्ज लगता है सीआरआर में मैंने पढ़ाया था जो बैंक रेट चल रहा है उससे तीन परसेंट एक्स्ट्रा यानी कि अगर बैंक रेट चल रहा है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव तो नाइन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट और अगले दिन अगर नहीं हुआ तो बैंक रेट प्लस पांच परसेंट पेनाल्टी लगेगी तो उस पेनाल्टी से बचने के लिए बैंक जल्दी से कहते चलो महंगाई लोन ले लो एम एस एफ रेट वाला लोन ले लो लेकिन ये जो डिपॉजिट रेशियो जो हमारा गड़बड़ हो गया आर आज ये लोन लेकर के इसकी कमी को पूरी कर देते अब समझ में एमएसएफ रेट क्यों महंगा है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ गई जीएस ठाकुर जी हम आपका क्वेश्चन इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि तो जब मैं समझा रहा था तो आपने क्वेश्चन टाइप किया है इसका मतलब मैं जब समझा रहा था तो आपके मन में खुराफात चल रहा था यानी जब मैं समझा रहा था तो आप समझ नहीं रहे थे आप आगे की खुराफात कर रहे थे तो इसलिए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा जब मैं समझा रहा हूं तो आपको फालतू टाइप नहीं करना है जब मैं समझा रहा हूं तो सुनिए तो क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी छोटी सी बात है यही क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि ओवरनाइट लोन अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज किस रेट पर मिलता है रेपो रेट बैंक रेट एमएसएफ रेट सारे रेट्स का ऑप्शन आ जाएगा बेस रेट का अब बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे अब जीएस ठाकुर जी का आंसर दे दिया गया भैया सीबीएस प्लेटफॉर्म होता है उसके थ्रू बैंक और आरबीआई जुड़े होते हैं जब भी पैसा चाहिए होता है है बैंक आरबीआई से ले लेती है। और भी तरीके हैं मार्केट में पैसा लेने के जैसे तुम बैंक से भी पैसा ले सकते हो सुखी लाला से भी ले सकते हो वैसे ही बैंक के पास भी तमाम तरीके पैसे लेने के जरूरी है कोई आरबीआई से ही ले किसी से भी ले सकता है बैंक बहुत सारे बॉन्ड भी इशू करता है उसमें तो आरबीआई से नहीं ले रहा है अभी एस ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लॉन्च किया था अगर बैंक किसी दूसरे बैंक से भी ले सकता है ओवरनाइट लोन जब एक बैंक दूसरे बैंक या किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है उसे कॉल मनी कहते हैं तो दोस्तों अगर इलिजिबल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में अगेंस्ट का मतलब बंधक अगर इलिजिबल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में लोन लेना है तो वो कौन सा लोन मिलेगा रेपो रेट ये क्वेश्चन अक्सर आता है लोग जो है एमएसएफ रेट टिक करके आ जाते हैं क्योंकि ये वो ये समझ ही नहीं पाते कि रेपो भी तो ओवरनाइट लोन है अगर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में डे टू डे ऑपरेशन के लिए रेपो रेट पर लोन मिल रहा है तो रेपो रेट भी तो ओवरनाइट हो सकता है हम चाहे तो इसको लंबा भी ले सकते हैं इसको लंबा नहीं लिया जा सकता और अब तुम तो एमएसएफ में एक और चीज कर दी गई है पहले क्या होता था एमएसएफ लोन मिल तो जाता था मान लो फ्राइडे को मिला फ्राइडे को मिल गया लेकिन जब वापस करने की बारी आई तो सैटरडे को बंद है आरबीआई सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे संडे को बंद है मंडे को वापस लेते थे और ब्याज कमाते थे अब तो इस साल से यह नियम हो गया है कि बैंक बंद हो चाहे चालू हो चाहे आरबीआई बंद, बंद हो चालू हो अगले दिन लोन अगर कोई बैंक वापस कर रहा है तो वो ले लिया जाएगा वो अब किस मोड पे काम करेगा एसटीपी मोड पे जब कोई चीज ऑटोमेटिक मोड पे हो जाती है तो वह एस मोड कहलाता है जैसे पहले आर और एनई करते थे तुम फ्राइडे की रात को तो बैंक बंद हो चुका होता था तो वो मंडे को जाके क्लियर होता था और मंडे को अगर होली दिवाली ईद है तो फिर गया ट्यूसडे, वेडनेसडे तो एस मोड एस मोड <coughs> पे अब काम करता है टीजीएस काम करता है जो भी चीज ऑटोमेटिक हो जा रही है कंप्यूटराइज हो जा रही है ऑटोमेटिक हो रही है, उसे एस मोड कहते हैं का फुल फॉर्म यहां पे लिख दिया सूरज ने और सौरभ ने भी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग लग रहा है तुम लोग पढ़ने लिखने लगे क्या तुम लोग के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं हाँ बिल्कुल बैंकिंग के वीडियो इस चैनल पर हैं पचास टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं बैंकिंग फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट इसकी आपको मिल जाएगी ऐप पर भी जाओगे तो फ्री कोर्सेज में मिल जाएगा ऐप पे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका फ्री कोर्सेज में जाओगे बैंकिंग फाउंडेशन में तो करंट अफेयर के अभी पीडीएफ मिल जाएगा जो सुबह होती है अभी एनआईए सी का मैंने कराया एग्जाम एनालिसिस कल देखो तो कैसे क्वेश्चन आते हैं पीयूष सर करा रहे हैं तो वो क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं एग्जाम में देखो तो मेरी परीक्षा तो लो यार कि ये पीयूष सर जो बोल रहे हैं ये सच में एग्जाम में आता है कि नहीं आता है कभी तेरह तारीख को पेपर हुआ है जाके वो एग्जाम एनालिसिस मैंने कल कराया है आपको नॉलेज भी मिलेगी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी मैंने उसमें सिखाई हैं बताई हैं और पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो कुछ काम का है कि नहीं है निशिता निष्ठा ओझा केरी से सिंडिकेट लोन क्या होता है सर एक बार वो भी बता दीजिए निष्ठा ओझा कहा लिखूं यार जगह ही नहीं बची है सब तो फुल कर दिया है दोस्तों अब आते हैं बात करते हैं मेगा मर्जर चलो निष्ठा सिंडिकेट सिंडिकेट लोन तो ऐसे ही बता देता हूं यार इसके लिए इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है विजय माल्या एस के पास गया कि हमें 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन चाहिए एस ने कहा इतना पैसा हम अकेले तो आपको नहीं दे सकते लेकिन हम बाकी बैंकों से बात करते हैं किसी ने 100 दिया किसी ने 200 दिया किसी ने 500 करोड़ दिया किसी ने हजार करोड़ दिया चौदह बैंकों ने मिलकर विजय माल्या को लोन दिया था इनिशिएट किया था एस ने ऐसे लोन को सिंडिकेट लोन कहते हैं जब कई बैंक मिलकर के एक व्यक्ति को लोन देते हैं या किसी एक प्रोजेक्ट के लिए लोन देते हैं तो उसे सिंडिकेट लोन कहते हैं जी एस ठाकुर करें सर मुझे फाउंडेशन में शुरू में समझ नहीं आ रहा था बट अब सब समझ में आ रहा है। उसी फाउंडेशन को दोबारा देखो कभी कभी हॉलीवुड की मूवी पहली बार में समझ में नहीं आती लेकिन दूसरी बार जब देखोगे सारे चैप्टर देखने के बाद तब तुम्हें और समझ में आएगा क्योंकि तब तुम्हें फॉरेन ट्रेड में मैंने जो कैपिटल मार्केट के टर्म्स यूज़ किए वो समझ में आएंगे कैपिटल मार्केट में जो मैंने मनी मार्केट के टर्म्स यूज़ किए तो समझ में आएंगे मनी मार्केट में मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो टर्म्स यूज़ किए तो समझ में आएंगे तो कभी कभी कोई पिक्चर जब दोबारा देखो तो रिलेट कर पाते हो एक बार पहले पूरा देख लिया फिर दोबारा देखो उसको और अब जितना मजा आएगा तो उसकी मजा की कल्पना आप नहीं कर सकते पहली बार में नहीं समझ में आएंगे क्योंकि पहली बार में बहुत सारे टर्म्स तो तुम जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो तो वो कैसे समझ में आएंगे बात समझ में आ रही है निष्ठा ओझा जी समझ में आ गया चलिए अब मेगा मर्जर में आते हैं दोस्तों मेगा मर्जर कब हुआ एक अप्रैल 2020 और सबको अपने दोस्तों को बता देना कि प्यूसर की क्लास अब ना शाम को होती है एक अप्रैल 2020 को हुआ क्या मेगा मर्जर जिससे आज भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कई सारे बैंकों में मर्जर हुए पंजाब के ओबीसी यूनाइटेड होते हैं पंजाब के ओबीसी यूनाइटेड होते हैं उसको इस ट्रिक से हम लोग याद किए हैं पंजाब के ओबीसी यूनाइटेड होते हैं इस ट्रिक से हमने इसको याद किया है तो पंजाब मतलब पंजाब नेशनल बैंक ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड होते हैं मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इटेड बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता में हेडक्वार्टर था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इसका कहां हेडक्वार्टर था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का गुड़गांव में था बाद में न्यू दिल्ली शिफ्ट हुआ था और पीएनबी न्यू दिल्ली तो इन दोनों का मर्जर कहां हुआ पीएनबी में हुआ ये दोनों शहीद हो गए बचा कौन पीएनबी बचा ठीक है इसके बाद नीचे आइए सिंधी कैन डू एनी थिंग सिंधी कैन डू एनी थिंग सिंधी कैन डू एनी थिंग यानी सिंधी कुछ भी कर सकता है तो सिंडिकेट बैंक दोस्तों किस में मर्ज हुआ कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक खत्म हो गया कैनरा बैंक बच गया ठीक है इसके बाद दोस्तों कॉरपोरेट का यूनियन अंधा होता है कारपोरेट का यूनियन अंधा होता है इस ट्रिक से हमने इसको याद किया कॉर्पोरेट का यूनियन अंधा होता है यानी कॉरपोरेशन बैंक बैंक आंध्रा आंध्रा अंधा होता है से Andhra, और यूनियन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों आंध्रा बैंक खत्म हो गया हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर था कॉरपोरेशन बैंक भी खत्म हो गया और दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बच गया केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई ओके क्लियर उसके बाद दोस्तों इलाहाबाद बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था ये इंडियन बैंक में मर्ज हो गया जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है यानी ये बच गया और ये खत्म हो गया यानी दोस्तों कितने बैंक खत्म हुए एक दो तीन चार पांच छ बैंक खत्म हुए टोटल कितने बैंक थे दोस्तों दस जिनमें मर्जर हुआ ये दस है ना कितने बैंक बच गए चार ये तो जिनमें छे छाड़ हुई उनका जिक्र हो रहा है लेकिन ओवरऑल की बात करें अगर टोटल की बात करें तो 2020 में 18 बैंक थे टोटल 6 बैंक खत्म हो गए बारह सरकारी बैंक बचे जैसे बहुत सारे के साथ तो छेड़छाड़ हुई नहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ना इंडियन बैंक के साथ इंडियन बैंक के साथ तो ही इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है कि नहीं यूको बैंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई 2020 में तो एस के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी 2020 में तो नहीं हुई 2019 में हुई थी तो बहुत सारे बैंकों को तो नहीं टच किया गया 2020 में इन्हीं के को टच किया गया तो ये दोनों का अंतर भी समझ लीजिएगा 10, 6 और 18, 6। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों आप पढ़ा रहे हैं ऐसा क्यों बता रहे हैं अंतर कभी कभी बहुत टफ पेपर भी यहां से बना है जैसे कि एक बार पूछा था कि निर्मला सीतारमन जी ने पिछले दो साल में कितने बैंकों का मर्जर किया था और उन्होंने एक भाषण में वो बात कही थी वो भाषण था दोस्तों ईज का ईज वाला बाद में लिखूंगा मैं ईज के प्रोग्राम में कहा था उन्होंने और उसका आंसर था दोस्तों कि तेरह बैंकों में मर्जर हुआ था और आठ बैंक खत्म हुए थे और पांच बैंक बचे थे ये मालूम है किस चीज का है दो साल का है यह 2019 में जो विजया बैंक देना बैंक मर्ज हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में और 2020 इन दोनों सालों का मिलाकर के ये बताया गया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था लोग चकरा गए कि आंसर कैसे करना है ये वाला जो पार्ट है ये केवल 2020 का है और ये वाला जो पार्ट है ये टोटल है जो बच गए अब अंतर समझ में आ रहा है यहां कंफ्यूजन भी हो सकता है बहुत कंफ्यूजन भी हो सकता है नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लो देखो विवान राणा करे सर ऑफलाइन पढ़ने के लिए कौन सी मैगजीन अच्छी है देखो मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ ना तो मैगजीन से पढ़ता हूँ लेकिन मेरे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनके वीडियोस भी तुम देखोगे सेलेक्शन के बाद जो बच्चे वीडियो बनाते हैं वो दो चीज़ों को प्रीफर करते एक तो वो ये बोलते हैं कि पीयूष सर के लेक्चर हमने देखे थे और दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हैं कभी तो मेरे चैनल पे जाकर के शॉर्ट्स में देखोगे तो पाओगे और दूसरी बात वो बोलते कि अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से हम पढ़ते थे वो अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन लिए हुए तो मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज की जरूरत है क्योंकि जो, जो सफल बच्चे कर रहे हैं वही हमें करना है हमें कुछ अलग नहीं करना है तो वही काम करना है जो सफल बच्चा करके सेलेक्शन तक पहुंचा है।, है ना उसने रास्ता दिखा, दिखा दिया तेरह से आठ वाला बताना है पहले दस से छ वाला समझ गए दस से छ वाला समझ गए दस से छ वाला समझ गए तभी तेरह से आठ वाला समझ पाओगे दस से छे वाला समझ गए ये दस हैं। है हैं? 2020 में इसमें से छे खत्म हो गए चार बज गया ये समझ में आ गया दस वाला समझ में आ गया तो फिर मैं समझा दूंगा तब ज्यादा टाइम नहीं यह है दो हजार बीस ये है दो हजार बीस अब इसी में एक कॉलम और बढ़ा देते हैं एक कॉलम और बढ़ा देते हैं 2019 वाला बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे यहां पीएनबी लिखा हुआ है कैनरा लिखा हुआ ऐसे मैंने यहां बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया अब इक्वल टू और फिर एक बैंक लिख दिया विजया बैंक फिर यहां लिख दिया देना बैंक ये वाला मर्जर कब हुआ था 2019 में 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा विजया प्लस देना अब तुम्हें आंसर खुद ही मिल गया कि टोटल गिनोगे तो तेरह आएंगे यहां तक छह थे जो क्रॉस हुए थे अब क्रॉस गिनोगे तो छह की जगह आठ आएंगे और टिक वाले जो हैं एक दो तीन चार पांच आएंगे वही तो लिखा है पांच आठ तेरह बोलो बाके बिहारी लाल की जय समझ में आ गया बोलो राधा रानी की जय तो दोस्तों ये आप लोग को मेगा मर्जर जिसमें जो भी क्वेश्चन टफ से टफ बन सकता है कंफ्यूजन जो भी हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया इसके अलावा 2017 वाला तुमको याद ही है भारतीय महिला बैंक आपको याद ही है कि एसबीआई में चला गया एसबीआई के एसोसिएट भी एसबीआई में चले गए दो वाले कभी उनको टोटल करना होगा तो उनको भी टोटल कर लेना इसी 13 में इसी में बढ़ा लेना आईडीबीआई बैंक वाला अलग से याद रखना होगा कि एल ने खरीदा था एल का अभी तो मान लो थर्टी से कम शेयर है लेकिन पूछ लेता है कि आईडीबीआई में किसका शेयर है आई जब को डूबते हुए को बचाया था LIC ने, जैसे यस yes बैंक को डूबते हुए बचाया था एस ने तो यस yes बैंक को डूबते हुए एस ने बचाया था और कई साल पुरानी घटना हो गई आज भी पूछता है कि यस yes बैंक में मेजोरिटी शेयर किस बैंक का है तो एस का है जियो पेमेंट बैंक में भी एस का शेयर है अच्छा खासा शेयर है बीस पच्चीस परसेंट ठीक है बात समझ में आ रही है ओके okay. तो मर्जर सब समझ में आ गए ये 2020 वाले मर्जर समझ में आ गए अच्छा मर्जर समझ में आ गए तो अब आओ मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग बताओ दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है सेकंड लार्जेस्ट सरकारी बैंक तो पीएनबी हो गया मर्जर के बाद सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है एस है ठीक है तो पहले नंबर ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया पीएनबी। आज मैं इसी का पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा चलो फर्स्ट भी पता चल गया कि एसबीआई है सेकंड पता चल गया फोर्थ पता चल गया कि कैनरा बैंक है फोर्थ फिफ्थ पता चल गया कि यूनियन बैंक है चलो बताओ थर्ड कौन है क्योंकि पांच ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं पांच ऑप्शन आप एग्जाम में आते थर्ड नंबर पे कौन है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स आज के थंबनेल का नाम तो मुझे मेगा मर्जर रख देना चाहिए आज के इवेंट का नाम मुझे मेगा बैंक्स, मेगा मर्जर रखवा देना चाहिए है कि नहीं थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा है बिल्कुल थर्ड लार्जेस्ट कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा है बिल्कुल सही जवाब थर्ड लार्जेस्ट कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा सेकेंड कौन है पीएनबी है फोर्थ कौन है कैनरा है फिफ्थ कौन है यूनियन में और सिक्स कोई होगा सेवेंथ पे ये इंडियन बैंक है। ठीक <coughs> है ओके okay. तो इन सब के साथ छेड़खानी हुई है रास्ते में इन सब के साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं हुई है यूको बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया सिक्स मर्ज है सिक्स इंडिपेंडेंट है इनके हेडक्वार्टर एस बी आई का मुंबई बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा कैनरा बैंक का बेंगलुरु इंडियन बैंक का चेन्नई पंजाब नेशनल बैंक का दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई यूको बैंक का कोलकाता इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई पंजाब एंड सिंह बैंक का दिल्ली बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक था जब विदेशी बैंक भारत आते थे अंग्रेजों की हुकूमत थी तब दोस्तों इसने जो है ओवरसीज में ब्रांच खोली थी लंदन में यानी भारत का पहला बैंक जिसने विदेश में ब्रांच खोली थी लंदन में ब्रांच खोली थी आजादी के पहले खोली थी ओवरसीज ब्रांच खोलने वाला भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया था सिक्स नंबर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये चांदनी बता रही है वेरी गुड दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था आईसीआईसीआई बैंक था पहला सरकारी बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया भारत में वो दोस्तों कौन था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था है ना भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला भारतीय स्वामित्व में शुरू हुआ बैंक जिसका मालिक इंडियन था वो पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय साहनी साहब ऐसे बहुत सारे इंडियंस ने मिलकर शुरू किया था 1894 में लाहौर हेडक्वार्टर था अब दिल्ली है भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल लोकल एरिया बैंक जो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया जालंधर का बैंक था ये पहले लोकल एरिया आज दो लोकल एरिया बैंक अब बचे हैं केवल इंडिया में और उन दोनों का नाम आपके एग्जाम में पूछ लिया था भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला सरकारी पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पहला एटीएम एचएसबीसी ने लगाया 1987 में मुंबई में पहला व्हाइट लेबल एटीएम टाटा ने लगाया 2013 में वो भी मुंबई में दोस्तों कल मैंने इंश्योरेंस का एक टर्म पढ़ाया था आप लोगों को इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो इंश्योरेंस के सेवन प्रिंसिपल्स में से एक है इंश्योरेंस के सात सिद्धांतों में से एक है दोस्तों ठीक है बात समझ में आ रही है? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया इस एमसीक्यू से पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो मुझे समझ में आएगा कि इंश्योरेंस के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्रिंसिपल समझ में आएगा और अपने सभी दोस्तों को यह जरूर बता देना कि अब यह क्लास शाम को छह बजे होती है निम्नलिखित में से किसका बीमा रमेश द्वारा नहीं कराया जा सकता इंस्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इंस्यूरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए <coughs> शिवा, शिवांगी शुक्ला साइड सर कह रही है इसमें साइड सर का क्या मतलब है क्या लाइफलाइन यूज करोगी? क्या स्क्रीन शॉट टू फ्रेंड फोन फ्रेंड तो होगा नहीं स्क्रीन शॉट व्हाट्सएप टू फ्रेंड करके पूछोगी क्या आंसर तो दोस्तों रमेश का अपने घर को लेके इंश्योरेबल इंटरेस्ट है रमेश अपने घर का इंश्योरेंस करा सकता है क्योंकि उसके घर को नुकसान पहुंचेगा तो रमेश को नुकसान होगा अपने बीवी बच्चों का करा सकता है अपने पेरेंट्स का करा सकता है लेकिन रमेश का अपने फ्रेंड का इंश्योरेंस कराने में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट फ्रेंड वाले में नहीं है था ओके क्लियर है पतिराम के लिए सर घाट पे बैठी है तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोस्त का आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते ठीक है तो चलिए दोस्तों आज इसका आप लोग होमवर्क क्वेश्चन नोट करिए कि व्हाट इज मनी व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मनी कल मैं आप लोगों को आरबीआई के कुछ टर्म्स पढ़ाऊंगा है ना ऐसे मनी टाइप के कुछ टर्म्स और कुछ नए टर्म्स भी लेके आऊंगा ठीक है तो आप लोग जो है इसका फुल फॉर्म बताएंगे इसका यूसेज बताएंगे होम ऑफलाइन में ठीक है ऑफलाइन कमेंट में और कल मैं आप लोगों को शाम को छ बजे अब रोज शाम को छ बजे मुलाकात होगी ग्राम सेवक बैच में आपकी शिवानी मैम की क्लास डिस्टर्ब ना इसलिए मैंने इसको शाम को किया है तो सब लोग लाइव आना लाइव में डाउट भी देखो क्लियर हुआ आज बहुत सारे निष्ठा का हुआ कुमुद का हुआ ठाकुर का हुआ बहुत सारे बच्चों का पतिराम का हुआ बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हुआ तो डाउट क्लियर आज मजा आया मुझे क्योंकि आज आपने क्वेश्चन पूछे आज जितना टफ से टफ क्वेश्चन लाओ बैंकिंग में जितना टेक्निकल से टेक्निकल पूछो कि भाई एस बी आई ने slice क्यों नहीं है आज बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिला तो मजा आएगा ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल इसे शेयर करिएगा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भेजिएगा कि भाई टर्म्स ऐसे सीखे जाते हैं टर्म्स ऐसे पढ़े जाते हैं ये देखो हमारे सर हैं जो ओपन चैलेंज देते हैं कि कुछ भी पूछो ऑनलाइन कौन होगा यूट्यूब पे जो ऑनलाइन तुमको चैलेंज देगा तो ये जो है आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए भेजिए ओके बाय